2021 की पहली लॉन्ग राइड, और वैसे देखा जाए तो रेडबुल की भी पहली लॉन्ग राइड। एंड वी ऑल सेट, बाइक रेडी, गियर्ड अप। वैसे ये सैडल बैग इनविक्टस का ज़्यादा देर तक यहाँ पे रहने वाला नहीं है। क्यों रहने वाला नहीं है ये थोड़ा सा आगे जाते जाते बातें करेंगे, क्योंकि एक कुछ नया जुगाड़ होने वाला है। वैसे आई एम नॉट राइडिंग अलोन, वे तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि अगर मैं अकेला होता तो टेल बैग लगती इसके ऊपर। टेल बैग नहीं है, पिलियन सीट खाली है, इसका मतलब अपने साथ पिलियन भी है। और एज यूजुअल पिलियन अभी तक रेडी नहीं है। ओ मैडम, ये तो है ना, कभी आ जास ना। ओहो, वाह, दोन तीन वाजता निघायचं ना आजचा? वाजता निघायचं होतं। 10 मिनिटं बाकी अजून तीन. अरे पण 2 ला निघायचं होतं, 50 मिनिटं लेट झालं, त्याचं काय नाही। एनीवेज, आप इंट्रो व्हिडिओ देखो, तब तक हम गाड़ी पे बैठते हैं। This is Kundan from countingkilometers.com. We create travel stories about everything from mountains to oceans, from trekking and hiking to motorcycle riding and everything in between. So if this is something that interests you, please consider subscribing to our channel and following us on all our social handles. For a change this time, अपना टैंक बैग जाएगा टॉप बॉक्स में। एक्चुअली इसका टैंक का शेप इतना ऑड है ना, वो टैंक बैग लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। सो आई प्रेफर पुटिंग इट इन हियर। अगर कुछ एडिशनल सामान रखना हो तो उस टाइम पे इसको निकाल के आगे ले ही सकते हैं, बट फॉर नाउ दिस लुक्स सॉर्टेड। बड़ा टॉप बॉक्स होने का ये फ़ायदा है। बिफोर वी इवन स्टार्ट दिस राइड, लेट मी टेल यू वन थिंग। ये जो है ना 0 किलोमीटर्स पर आवर, और ये किलोमीटर्स 3373, ये पूरी राइड में आपको ऐसे ही दिखने वाला है, क्योंकि इसका जो स्पीड सेंसर का केबल है ना, वो मेरे हाथ से डैमेज हो गया। अभी वो लेके आने का टाइम नहीं मिला, अभी ये पूरी राइड 0 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे होने वाली है। आई होप यू बेयर विद दैट। अभी लेट्स गो। चलो, अपना 12 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग हो गया मानगांव से करजत तक का। पेट्रोल भी फुल हो गया, 15 लीटर एग्जैक्ट बैठा पेट्रोल, 15.01। अभी एवरेज वगैरह तो इस राइड में कुछ निकाल नहीं सकते, क्योंकि एज आई सेड अपना मीटर बंद है, तो वो एक पार्ट आपको लॉन्ग राइड का पता नहीं चलेगा। लेकिन ऑलरेडी इसका एवरेज तो निकाला हुआ है, अच्छा एक्सटेंसिव मेथड से निकाला हुआ है। अगर नहीं देखा है व्लॉग तो देखो जाके, द लिंक इज अप हियर। अभी भर दोपहर चा उनात घूमने चलते हैं। आइडियली अब तक आपके दिमाग में दो सवाल तो खड़े हो चुके होंगे। पहला ये कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि इन्विक्टस के बैग्स थोड़ी देर में जाने वाले हैं। क्या सोच रहा हूँ मैं, पैनियर्स लगवा रहा हूँ या डोमिनार की तरह इसमें भी कुछ कस्टमाइज्ड लगेज का कुछ रैक वगैरह बनाने का दिमाग में है। और दूसरा सवाल ये है कि ऑब्वियसली निकले कहाँ है राइड के लिए, तो इसमें से दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको अभी दे देता हूँ, और जो पहला सवाल है उसका जवाब मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। जवाब दूंगा नहीं, जवाब दिखाऊंगा। तो फॉर नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लोनार क्रेटर। अभी आज घर से निकले हैं, आज जाएंगे सोलापुर। सोलापुर में 2 दिन का काम है, और वेनेसडे को। अच्छा, बाय द वे, मैंने आपको आज का डेट बताया ही नहीं ना अभी तक, टाइम चेक वगैरह कुछ किया ही नहीं। टाइम तो बताया, 1 घंटा लेट हूँ। एनीवेज, दिस इज 18th of January 2021, मंडे का दिन है आज। और एज आई वॉज सेइंग, आज हम यहाँ से सोलापुर जाएंगे, और वेनेसडे को सोलापुर से हम जाएंगे लोनार, और फिर लोनार से औरंगाबाद, औरंगाबाद में दौलताबाद, कृष्णेश्वर, एलोरा केव्स, बीवी का मकबरा, वो सब एक्सप्लोर करके फिर सैटरडे तक घर पहुंचने का प्लान है। मतलब पूरा एक हफ्ता, मतलब 6 दिन हम बाहर रहने वाले हैं। इसमें लोनार में हमें कोई ज्वाइन भी करने वाला है, उसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। उसके लिए आपको ये सीरीज़ में आगे के व्लॉग्स देखने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि लोनार में कौन ज्वाइन होने वाला है। सो यस, दैट्स द प्लान। लोनार क्रेटर, एशिया का इकलौता मीटियर से बना हुआ क्रेटर, तो उसे देखने के लिए और
औरंगाबाद के सारे अट्रैक्शंस काउंटिंग किलोमीटर्स के अंदाज में एक्सपीरियंस करने के लिए ये सीरीज़ पूरा देखना पड़ेगा बस। वैसे मैं थोड़ा सा आप सब लोगों से नाराज़ हूँ आज, क्यों पता है? इससे पहले जो वीडियो पोस्ट किया था ना नैनीताल सिटी का टूरिस्ट गाइड वाला, आज तक मैंने जितने वीडियोस बनाए ना इस काउंटिंग किलोमीटर्स पे, अपने जितने वीडियोस देखे उसमें से सबसे ज़्यादा मेहनत जिस वीडियोस में लगी है ना उसमें से ये एक वीडियो था। और उस वीडियो को व्यूज़ आते हैं 200। मतलब कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं यार? आप एक काम करो, अगर आपने देखा नहीं है ना वीडियो, या फिर आपको पता नहीं है, आप सब्सक्राइबर नहीं हो, आपने ये वीडियो कहीं और से आपको मिला है, पहली बार देख रहे हो, व्हाटएवर द रीज़न, यहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ, आप एक बार जाके मेरे लिए वो वीडियो देखो। सिर्फ 5.5 मिनट का वीडियो है, वो वीडियो देखो। आप इमेजिन करो मेरी जगह पे खड़े रह के कि उस वीडियो में बनने के लिए कितनी मेहनत गई होगी, और उसके बाद 200 व्यूज़ आते हैं उस पर, किस तरह से जस्टिफाई करेंगे इसको? इतनी मेहनत करने के बाद अगर इस तरह से रिटर्न्स मिलने वाले होंगे ना, इस तरह से रिस्पॉन्स रहेगा आपका, तो मज़ा नहीं है यार इसमें। आई डोंट नो व्हाट टू से, आई वाज एक्चुअली स्केप्टिकल कि मैंने ये बात भी बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, बट आई थॉट जो फील हो रहा है वो बोल देना अच्छा है। अगर हम आपको फैमिली कंसिडर करते हैं तो जो नहीं पसंद आया, जो बुरा लगा, वो भी बोल देना चाहिए। देखो एक बार वीडियो देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो बताओ, और अगर आपको लगता है ना कि ये वीडियो इतना लो रिस्पॉन्स डिजर्व करता है तो वो भी कमेंट करके बताओ कि क्या इतना बुरा है उस वीडियो में, या मतलब क्या गलती हो रही है हमसे। तब तक हम भी पहुंचते हैं पुणे के आसपास। अभी फ़िलहाल खंडाला तो पहुंच चुके हैं, खंडाला घाट इससे पहले बहुत से व्लॉग्स में दिखा चुका हूँ, तो फिर से नहीं शूट किया कुछ। अभी पुणे सिटी में घुसना है अपने को, चलते हैं थोड़ा आगे जाके मिलते हैं। वैसे बुरा मत मानना, मन में जो था बोल दिया, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। पिछले ऑलमोस्ट आधे घंटे से मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अभी GoPro ऑन करता हूँ, अभी आपसे बात करता हूँ, बताता हूँ कि पुणे में कहाँ जाना है, पुणे में पहुँच गए, लेकिन अब फील ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पुणे में पहुँच गए। लेकिन अब ऑलमोस्ट शिवाजी नगर पहुँचने के बाद ऐसा पूरा भरा हुआ रास्ता, वर्किंग डे इवनिंग का थोड़ा फील आना चाहिए ना, ट्रैफिक दिखना चाहिए, तो अब जाके ऐसा लग रहा है कि आ गए पुणे में। सो अबाउट द लगेज, मैं कुछ पैनियर्स वगैरह लगाने वाला नहीं हूँ। इनविक्टस हैज़ कम अप विथ अ न्यू मॉडल ऑफ सैडल बैग, अ न्यू प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड एज स्टील्थ सीरीज। तो अभी रिसेंटली आई थिंक दिसंबर एंड या जैन फर्स्ट वीक में लॉन्च किया है वो। तो वो स्टील सैडल बैग का एक पेयर अपने को आज मिलेगा टू टेस्ट आउट एंड टू गिव यू सम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिव्यूज़ अबाउट एट। नया सैडल बैग लगाएंगे अपनी बाइक पे और अगले 5-6 दिन 1200 किलोमीटर थ्रू आउट मराठवाड़ा जो घूमेंगे उसमें एक्सटेंसिवली उस सैडल बैग को टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि वो सच में जो उसका नाम है स्टील्थ, वो एक्चुअल में उतना स्टील्दी है या नहीं है। वेल फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस आई कैन वाउच फॉर इट कि वो अच्छा ही होगा, लेकिन खुद टेस्ट करेंगे, 1200 किलोमीटर यूज़ करेंगे तो आपको भी थोड़ा भरोसा हो जाएगा, और अगर नहीं है, कुछ उसमें फ्लॉ है, तो आपको बताऊंगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा नहीं। नया साल, नया राइड, नया सैडल बैग, बहुत कुछ नया है ना। सो वी हैव रीच्ड हियर, ये है सौरभ का शॉप। एक्चुअली आज मंडे है, बंद है, फिर भी आज सुट्टीच्या दिवशी कसा उगवला? आय मीन अरे पुण्याला सुटले होत यार, नारायण पेठ त्यातून व्हॉटएव्हर, म्हणजे पुण्यातला माणूस सुट्टीच्या दिवशी सोमवारी दुकान उघडून आमच्यासाठी इथे आलाय, असं घडलं कसं? म्हणजे बाय द वे सर, ऍक्टिंग चल रहा है ऑलरेडी, ये निकाल आता, सिर्फ आपको दिखाने के लिए वापस आया था, उसके लिए उसने 4 गालियां भी दी है मेरे को, वापस लगाना पड़ा। वेल दिस इज द न्यू स्टील सैडल बैग, जबरदस्त। एक्चुअली आई हैव ऑलवेज बीन अ फॉन्ड ऑफ दिस शेप, ये बहुत पसंद है मुझे। आई नो थोड़ा सा साइज छोटा होता है इसका, बट आई रियली लव दिस शेप। एक्चुअली जो फर्स्ट सैडल बैग सौरभ ने मुझे बना के दिया था ना, इसका राइड मार्शल का एकदम फर्स्ट वाला, उस टाइप पर मैंने उसको बोला था मुझे ऐसा स्वेप्ट अप वाला चाहिए, लेकिन वो संभव बन नहीं पाया बिकॉज राइड मार्शल का ये
उनका एकदम पिक्यूलियर बॉक्स शेप है, बट एक बात तो है कि वो बॉक्स शेप जो है ना उसमें पूरा संसार लेके घूम सकते हैं, इतना बड़ा है वो। अभी इसमें कितना सामान जाता है देखेंगे, बट लुक एट दिस मैन, लुक देखो इसका, क्या सेक्सी दिखती है बैग, अमेजिंग। सौरभ, लुक से 100 मार्क इथेच मिळाले तुला, अमेजिंग। काय दिसते यार बैग। सो अभी थोड़ा मैं भी इसका इंस्टॉलेशन सीख लेता हूँ, कैसे किधर किधर बांधना है, आपको दिखाऊंगा अगले 4-5 ब्लॉग में। ये सब देखना है अपने को, क्योंकि राइड होगी, सिनेमैटिक शॉट्स दिखेंगे, अलग अलग प्लेसेस दिखेंगे, उसके साथ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी चाहिए ना, थोड़ा सा ज्ञान का डोज। तो इस बार ज्ञान का डोज यही होगा, स्टिल सैडल बैग का एकदम एक्सटेंसिव रिव्यू। बाय द वे, मैंने आपको जितने भी प्लेसेस बताए ना, उसमें से एक भी प्लेस ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मैं इससे पहले गया नहीं हूँ, और जहाँ पे प्रियंका भी इससे पहले गई नहीं है, ऐसा एक भी प्लेस नहीं है। वी हैव बोथ बीन ऑल टू ऑल द प्लेसेस, लोनार, औरंगाबाद, व्हाटएवर, दौलताबाद, कृष्णेश्वर, सब जगह पे हम गए थे। लेकिन कब गए थे, क्यों गए थे, शादी से पहले गए थे, शादी के बाद गए थे, हनीमून पे गए थे, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद सारे डिटेल्स बताता। चलो सर, धन्यवाद। बाय द वे, अभी के अभी वीडियो पॉज करो और बताओ ये कैसा लग रहा है, कमेंट चाहिए, अभी तो कमेंट चाहिए इस वीडियो पे, बिकॉज आई एम इन लव विद दिस बैग ऑलरेडी। अभी तक 1 किलोमीटर भी चलाया नहीं है, लेकिन जो बाइक को लुक आया ना भाई, एक नंबर। अभी चला के देखेंगे इस पे, हाउ डज इट फील, कैसा लग रहा है फर्स्ट लुक, फर्स्ट लुक वाला कमेंट आना चाहिए ना आप लोगों की तरफ से। चलो एक काम हो गया, अभी आगे का सफ़र, जैसा मैंने बताया था ऑलरेडी आपको कि आज जाना है सोलापुर, कल परसों में अपना काम निपटा के वेनेसडे को कंटिन्यू करना है अपने को टूवर्ड्स लोनार। तो अभी पुणे से सोलापुर बहुत बार हो चुका है, बहुत बार देख चुके हैं आप लोग, नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक है, देख सकते हो जाके, एकदम सिनेमैटिक शॉट्स से भरा हुआ, ड्रोन शॉट्स वगैरह से भरा हुआ व्लॉग है, देखो बताओ कैसे लगता है वो व्लॉग भी। ऐसा मत समझो कि ये व्लॉग का एकदम क्लोजिंग डायलॉग वगैरह मार रहा हूँ मैं, व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि सोलापुर पहुँच के बताऊँगा ना मैं आपको कि पहले कब गए थे हम ये सब जगहों पे, और उस टाइम के फ़ोटोज़ भी दिखाऊँगा, मेरे भी और प्रियंका के भी। देखो कैसे लगते थे हम जब छोटे बच्चे थे हम। मिलते हैं सोलापुर में। ऑल राइट, रात को 12:30 बजे यहाँ पहुँचे हम सोलापुर में। इतना लेट नहीं होता था, लेकिन सोलापुर से 10 किलोमीटर पहले हाईवे पे ही रुके थे डिनर के लिए, बिकॉज सोलापुर सिटी में आने के बाद शायद 11:30-12 बजे कुछ खाने को नहीं मिलता। एज आई एम टॉकिंग दिस, प्रियंका इज ट्राइंग टू मूव अराउंड द बेड विदाउट मेकिंग नॉइज, क्योंकि ये बेड है ना नीचे से काट कुट आवाज़ कर। एनीवेज आने के बाद तो सीधा सो गए थे। हाँ तू तो चालू। आने के बाद सीधा सो गए थे, तो वेलकम टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। इट्स द मॉर्निंग ऑफ 19th of January 2021 एंड वी आर हियर इन सोलापुर। आज का दिन तो अपना ऑफिशियल वर्क है, कल सुबह यहाँ से आगे निकलना है, बट एज आई हैड प्रॉमिस्ड आई टेल यू व्हेन एंड हाउ वी हैड बीन टू ऑल दिस प्लेसेस, लोनार, औरंगाबाद, मतलब औरंगाबाद में बीवी का मकबरा है, फिर क्या क्या प्लेसेस है, दौलताबाद, कृष्णेश्वर, एलोरा केव्स जब हम लास्ट टाइम गए थे उस टाइम पे, जिस दिन केव्स बंद होते हैं, वीकली ऑफ होता है, उस टाइम पहुंचे थे, तो सिर्फ गेट के साथ हमने फोटो लिया था। सो द थिंग इज, आठ होता है कदूला कभी गए थे 2008 में, 2009 में, कब गए थे, देखो हमारा पहला आउटिंग साथ में, वो भी नहीं याद है इसको, 2009 फरवरी। सो उस टाइम पे हम ऐसे बच्चे दिखते थे। अभी हमें हंसी आ रही है वो फोटोज देख के। वेल बट द थिंग इज, काउंटिंग किलोमीटर्स तो उस टाइम पे सपने में भी नहीं था, ये भी मेरे सपने में नहीं थी उस टाइम पे, टू बी ऑनेस्ट, ये भी नहीं था। वेल अभी एज अ कपल, पहली बार लोनार, औरंगाबाद के सारे प्लेसेस यहाँ से आगे के 4 ब्लॉग्स में आपको देखने मिलेंगे, 4 या 5 जो भी ब्लॉग्स बनेंगे, आई कांट काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉग्स राइट नाउ, बट फॉर नाउ अभी इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग में सोलापुर से लोनार का जर्नी होगा, और उसमें बहुत से सिनेमैटिक नज़ारे आएंगे, बिकॉज दिस एक्सप्रेसवे फ्रॉम सोलापुर टू उस्मानाबाद इज सो अमेजिंग। लेट्स सी कैसे होता है, कल सुबह कितने बजे निकलते हैं, पूरे दिन का जर्नी कैसे होता है, वो सब आपको अगले व्लॉग में देखने मिलेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।